नागपुर शहर में चार दिन के ब्रेक द चेन के बाद आज से टीकाकरण अभियान शुरू। टीके की कमी के कारण शहर में चार दिन बंद थी टीकाकरण मुहिम। आज से शहर के 140 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू। शुक्रवार शाम तक मनपा प्रशासन को 24,000 टीके मिले। मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी जानकारी। शहर के 140 केंद्रों पर टीकाकरण सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही रहेगा शुरू। महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्देशों पर नागपुर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गई। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने नया आदेश जारी कर जिले में 12 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। आज और कल अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर सब रहेगा बंद। नए आदेश जारी कर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। नए आदेश के अंतर्गत शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। नए आदेश के तहत अब दोपहर 4 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट आदि के पार्सल सुविधा होंगी उपलब्ध। होम डिलीवरी रहेगी शुरू। वैक्सीनेशन के लिए सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पद्धति से भी कराया जाएगा पंजीयन। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी जानकारी। नागपुर में शुक्रवार को 8,535 लोगों के कोरोना टेस्टिंग से मिले 48 कोरोना पॉजिटिव केसेस। जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हुई कोई मौत। शुक्रवार को कुल 87 मरीज हुए संक्रमण से ठीक। रिकवरी रेट भी बढ़कर पहुंचा 98.06% पर। नागपुर जिले में कुल 224 कोरोना के सक्रिय मामले। शुक्रवार को जिले का पॉजिटिविटी रेट 0.4% रहा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर माइनिंग कॉरपोरेशन और महाजनकों के बीच कोयले की आपूर्ति और सफाई के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की थी। नागपुर विभागीय आयोग की एक सदस्यीय समिति की गई है गठित, जिसके तहत खनन निगम में निविदा प्रक्रिया में हुए घोटाले की जाँच की जाएगी। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने आज समिति को 1 महीने के भीतर जाँच रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों की निषेधाज्ञा के अनुसार बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर शाम 4 बजे तक पर्यटकों के लिए रहेगा शुरू। ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग सुविधा रहेगी उपलब्ध। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने इंदौरा फ्लाईओवर के काम की समीक्षा। अधिकारियों द्वारा करे ऐसे दिए निर्देश। पालक मंत्री ने इंदौरा चौक पर प्रस्तावित मेट्रो का पुनर्वास करते समय मार्ग में फूल वाले और कमल चौक से चंबाराना तक के दुकानदारों का पुनर्वास योजना में शामिल करने के दिए हैं निर्देश। महाराष्ट्र राज्य के 8 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने आर्थिक मदद की जाएगी। खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने टोक्यो ओलंपिक में चयनित 8 खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे वित्तीय सहायता के लिए करें आवेदन। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई और शादी की आर्थिक मदद की जाएगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉक्टर शिल्पा खड़बकर ने दी अपील। चिकित्सा सहायता के लिए 30,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक का है प्रावधान। मानसिक रूप से मंद और विकलांग बच्चों के लिए 100% वित्तीय सहायता मिलेगी।